दोस्तों आज हम एक नावल पढ़ेंगे, अ फेयरवेल टू आर्म्स। इस नावल को लिखा था अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने और इस नावल का मेन हीरो है फ्रेडरिक हेनरी। फ्रेडरिक हेनरी एक अमेरिकन सिटीजन है लेकिन वह इटली में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन जब फ्रेडरिक हेनरी इटली में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा होता है तभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो जाता है और फ्रेडरिक हेनरी इटालियन फोर्सेस को ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों फ्रेडरिक हेनरी एक्सपीरियंस करना चाहता था कि वॉर होता क्या है। फ्रेडरिक हेनरी ज़रा भी सीरियस नहीं था वॉर को लेकर, उसे तो बस वॉर को इंजॉय करना था। लेकिन जब वह वॉर की हकीकत को देखता है, खून खराबा और दर्द का एहसास उसको होता है, तब उसे पता लगता है कि वॉर कोई मजाक नहीं है। वॉर का इंसान पर ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली भी असर होता है। दोस्तों फ्रेडरिक हेनरी एक अय्याश नौजवान है, वह एक फिलेंडरर है और विमेन को वो सिर्फ टाइम पास और एंटरटेनमेंट की नज़र से देखता है और वह अक्सर ब्रॉथल में जाया करता था। ब्रॉथल कहते हैं वैश्यालय को, जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, अ हाउस वेयर मैन कैन विजिट प्रोस्टिट्यूट्स। तो फ्रेडरिक हेनरी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से विमेन के साथ फिज़िकल रिलेशन इस्टेब्लिश किए हैं और बड़ा ही अय्याश किस्म का ये बंदा था। तो दोस्तों इटली और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही होती है और ये वक्त सर्दियों का था। सर्द हवा से फौजियों का खून भी ठंडा हो रहा था और इतनी ठंड में वॉर करना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि बॉडी पूरी ठंडी हो जाती है। और सर्दियों की वजह से वॉर को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है। वॉर रुक गया है तो फ्रेडरिक हेनरी को भी छुट्टियां मिल जाती हैं। फ्रेडरिक हेनरी अपनी छुट्टियों को मिलान और रोम में गुजारता है। वह अय्याशी से भरी ज़िंदगी जीता है। उसकी रातें क्लब्स में और ब्रॉथल में गुजरती थीं। इसके बाद विंटर्स चले जाते हैं और स्प्रिंग सीज़न आता है और अब इटली और जर्मनी में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू होते ही फ्रेडरिक हेनरी को भी वापस आना पड़ता है। दोस्तों फ्रेडरिक हेनरी को वापस आकर एक ब्रिटिश नर्स मिलती है जिसका नाम है कैथरीन बार्कले। कैथरीन बार्कले ब्रिटिश हॉस्पिटल में नर्स है और कैथरीन का मंगेतर फियांसे पिछले साल युद्ध में मर गया होता है। इस वजह से कैथरीन बहुत ही डिप्रेस्ड होती है। अब दोस्तों कैथरीन और फ्रेडरिक हेनरी आपस में मिलते हैं। कैथरीन अपने मंगेतर को भुलाना चाहती है, अपने डिप्रेशन को कम करना चाहती है, अपने गम को हल्का करना चाहती है। इस वजह से वह फ्रेडरिक हेनरी को सीड्यूस करना चाहती है, उसके साथ फिज़िकल रिलेशंस बनाना चाहती है ताकि वह अपने गम को कम कर सके। दूसरी ओर फ्रेडरिक हेनरी को भी नई नई लड़कियों के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश करने की आदत है, तो वह कैथरीन के साथ बस टाइम पास कर रहा होता है। कैथरीन उसको प्लेजर देने का काम कर रही होती है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फ्रेडरिक हेनरी को वॉर में उतरना पड़ता है और वॉर में फ्रेडरिक हेनरी के घुटने पर गहरी चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसका घुटना डैमेज हो जाता है। फ्रेडरिक हेनरी को ट्रीटमेंट के लिए मिलान के एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है। हॉस्पिटल में फ्रेडरिक हेनरी को डॉक्टर वैलेंटिनी कहते हैं कि आपको 6 महीने का बेड रेस्ट लेना होगा और 6 महीने के बाद ही आपका ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों फ्रेडरिक हेनरी 6 महीने के बेड रेस्ट से मना कर देता है। हेनरी नहीं चाहता कि 6 महीने तक वह बेड पर पड़ा रहे और फ्रेडरिक हेनरी के जोर देने पर डॉक्टर वैलेंटिनी उसको 6 महीने का बेड रेस्ट नहीं करवाते और उसका ऑपरेशन कर देते हैं। अब दोस्तों कैथरीन का ट्रांसफ़र भी उसी हॉस्पिटल में हो जाता है जिस हॉस्पिटल में फ्रेडरिक हेनरी का ऑपरेशन हुआ है। फ्रेडरिक हेनरी को ये बात पता लग जाती है और वह बहुत खुश होता है। फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन एक बार फिर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और इस बार इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पिछली बार तो ये दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन इस बार इन्हें सच्ची मोहब्बत हो जाती है। धीरे धीरे हेनरी का घुटना भी ठीक हो जाता है और इटालियन फोर्सेस उसको 3 हफ्तों की छुट्टी देती हैं ताकि उसकी अच्छे से रिकवरी हो जाए और 3 हफ्ते बाद उसको दोबारा से इटालियन फोर्सेस को ज्वाइन करना है।
दोस्तों इसी बीच कैथरीन भी प्रेग्नेंट हो जाती है और फ्रेडरिक हेनरी को ज्वाइंडिस हो जाता है। फ्रेडरिक हेनरी दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट होता है और इस बार उसका ट्रीटमेंट कर रही हैं मिस वैन कैंपेन। मिस वैन कैंपेन बड़ी ही सख्त मिजाज की औरत हैं। मिस वैन कैंपेन फ्रेडरिक को फटकार लगाती हैं, उसको डांटती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने शराब बहुत ज़्यादा पी है इसलिए तुम्हें ज्वाइंडिस हुआ है, और तुमने शराब इसलिए पी है ताकि तुम बीमार हो जाओ और तुम्हें आर्मी में दोबारा ना जाना पड़े। दोस्तों मिस वैन कैंपेन उस हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट होती हैं और आर्मी ने जो फ्रेडरिक को छुट्टियां दे रखी होती हैं रिकवरी के लिए, मिस वैन कैंपेन उन सब छुट्टियों को ख़त्म करवा देती हैं। इस वजह से फ्रेडरिक को ज्वाइंडिस ठीक होते ही आर्मी के पास वापस जाना होता है। अब दोस्तों हेनरी दोबारा से आर्मी में लौट रहा है और आर्मी में लौटते समय कैथरीन और हेनरी आपस में प्यार जताते हैं और वादा करते हैं कि वह साथ में रहेंगे। इसके बाद फ्रेडरिक वापस से वॉर में चला जाता है। दोस्तों जब फ्रेडरिक वॉर में उतरता है तो इटालियन फोर्सेस का बहुत बुरा हाल होता है। इटली जर्मनी से हारने ही वाली होती है। अब दोस्तों फ्रेडरिक अपनी एम्बुलेंस ड्राइवर्स की टीम को बचा रहा होता है। ड्राइवर्स की टीम के साथ साथ उसको दो इंजीनियर्स भी मिलते हैं और दो डरी हुई सहमी हुई इटालियन गर्ल्स भी मिलती हैं। हेनरी इन सब को बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। हेनरी उन दोनों इंजीनियर्स को कहता है कि गाड़ी से उतरो और गाड़ी को धक्का लगाओ, लेकिन दोनों इंजीनियर साफ मना कर देते हैं। हेनरी को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों इंजीनियर्स में से हेनरी एक को गोली मार देता है। दोस्तों उनकी गाड़ी पूरी तरह से कीचड़ में फंस जाती है, निकल नहीं पाती, इसलिए वह लोग गाड़ी में से उतर जाते हैं और पैदल चलने लगते हैं और एक फार्म हाउस में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगले दिन इटली की पुलिस वहां आ जाती है और इटली की पुलिस समझती है कि हेनरी जर्मन है और उसने इटली की यूनिफॉर्म पहन रखी है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने लगती है लेकिन हेनरी वहाँ से भागता है और नदी में कूद जाता है। नदी में से हेनरी बच बचाकर निकल जाता है। हेनरी जल्दी से एक ट्रेन पकड़ता है मिलान के लिए और फैसला करता है कि वह अब कभी वॉर में नहीं आएगा। उसको किसी भी तरह से कैथरीन के पास पहुंचना है और अपनी बची हुई ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है। इसके बाद फाइनली हेनरी कैथरीन से मिलता है और दोनों स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होते हैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। कैथरीन और हेनरी बोट के ज़रिए नाव के ज़रिए स्विट्ज़रलैंड पहुंचते हैं। स्विट्ज़रलैंड में हेनरी और कैथरीन की लाइफ बहुत सही चल रही होती है। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उनकी ज़िंदगी में सुकून होता है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कैथरीन प्रेग्नेंट हो गई होती है और अब उसकी डिलीवरी की डेट धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। अब दोस्तों कैथरीन का डिलीवरी का टाइम आ जाता है और उसको डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत लॉन्ग डिलीवरी चलती है उसकी, और हेनरी और कैथरीन का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। बच्चे को जन्म देने के थोड़े समय बाद ही कैथरीन भी मर जाती है। दोस्तों हेनरी को लग रहा था कि अब लाइफ बिल्कुल सेटल है और वह कैथरीन और अपने बच्चे के साथ सारी ज़िंदगी सुकून से बिताएगा, लेकिन एक पल में ही हेनरी का सारे सपने टूट जाते हैं और उसकी ज़िंदगी बिखर जाती है। हेनरी चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और अपने होटल की ओर लौटकर जा रहा होता है और इसी दौरान बारिश भी हो रही है, तो वह अपने होटल की ओर भीगता हुआ जा रहा है। और इसी के साथ हमारा नॉवल भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। Like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Why take a chance? Will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh. Like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh.
take a chance, will you let me ride?